Hello friends, welcome to our channel My Tech Mentor. Today's topic is how to check submitted IMDS status. So without wasting our time, let's get start the video. सर्च बार हम IMDS टाइप करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे. अब हम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे. अब उसके बाद हम दोबारा से लॉगिन पर क्लिक करेंगे. अब आप देख रहे हैं ये हमारा IMDS की विंडो खुल गई है. अब हम आउटबॉक्स पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, IMDS पर क्लिक करेंगे. अब ये हमारा आउटबॉक्स खुल चुका है IMDS का. अभी हमारा कोई कंपोनेंट नहीं दिखा रहा है, तो अब हम आगे ये हमारा स्टेटस, और अब हम नेम से भी सर्च कर सकते हैं किसी कंपोनेंट को, इंटरनल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, एक्सटर्नल नंबर से, आईडी वर्जन से, प्रिलिमिनरी और डेट के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं. जैसे हमें कोई दो डेट के बीच का डेटा चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो भी हम सर्च कर सकते हैं हम डेट सेलेक्ट करके. जैसे हमने ये डेट सेलेक्ट कर ली है, अब हम क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे. अब हमारा इन दो डेट्स के बीच के जितने भी IMDS हमने सबमिट किए हैं वो सारे नीचे शो हो गए हमें. अब हम चाहें तो नाम से भी कर सकते हैं, इंटरनल नंबर, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनके अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें चेक कर सकते हैं. अब हम अकॉर्डिंग टू स्टेटस कंपोनेंट कैसे सर्च करेंगे वो देखेंगे. हम सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, ये सारी लिस्ट है हमारी, कौन कौन सा स्टेटस हमारा IMDS पे शो होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे. सबसे पहले हम सबको डिसलेक्ट कर देंगे. अब सबसे पहले नॉट येट ब्राउज, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे. ओके, ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये अभी तक ब्राउज नहीं हुए हैं, मतलब ये सेंड कर दिए गए हैं हमारी तरफ से, लेकिन अभी तक कस्टमर ने इन्हें चेक नहीं किया है. अब हम सेकंड देखेंगे, ब्राउज्ड, क्लिक करेंगे. अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे. ओके, ये हमारा कोई भी कंप्लेंट नहीं है. मोस्टली जो IMDS आता है वो नॉट येट ब्राउज, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, यही ज़्यादातर आते हैं, और इन प्रोसेस एट एज रिसिपियंट. इसके अलावा आपको ज़्यादा कोई स्टेटस देखने को नहीं मिलेगा. अब हम अगला चेक करेंगे, एक्सेप्टेड, सर्च पे क्लिक करेंगे. ओके, अब आप ये देख सकते हैं कितने सारे ये IMDS हैं जो एक्सेप्ट हो रखे हैं. ऐसे ही हम अगला चेक करेंगे, रिजेक्टेड, अब सर्च पे क्लिक करेंगे. ओके, ये IMDS हैं जो हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं. अब हम अगला चेक करेंगे, मॉडिफाइड, सर्च. ओके, इसमें भी हमारा कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये भी हमें स्टेटस ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. अब हम अगला करेंगे, कैंसल्ड बाय सेंडर, सर्च, सर्च पे क्लिक करेंगे, देन ओके. ये भी हमारे कई सारे हैं क्योंकि कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से
IMDS कैंसिल करना पड़ता है और फिर हम उसे दोबारा से अपडेटेड वर्ज़न में भेजते हैं। और अब हमारा ये आखिरी बचा हुआ है, आखिरी भी चेक कर लेंगे। इन प्रोसेस एट रेसिपिएंट, तो आप देख सकते हैं इन प्रोसेस में हमारे दो IMDS चल रहे हैं जिनका स्टेटस एक दिन या दो दिन में हमें आ जाएगा, जो भी रिजेक्टेड हो या फिर एक्सेप्टेड हो। तो आपने स्टेटस के हिसाब से देख लिया कि स्टेटस में कौन कौन से सिलेक्ट करके हम अपने यूज़ के हिसाब से उसे सर्च कर सकते हैं और उन्हें हम सबको सिलेक्ट करेंगे, हम सारे के सारे एक साथ भी चेक कर सकते हैं। इसमें हमें एक साथ सारे स्टेटस शो हो गए हैं, चाहे वो नॉट एट ब्राउज हो, रिजेक्टेड हो, एक्सेप्टेड हो, इन प्रोसेस रेसिपिएंट हो, सारे के सारे हमारे एक बार में ही शो हो गए हैं। अब हम अगले टैब में जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये हमारे रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रॉपर कोई कंपनी भी डाल सकते हैं, जैसे हमने कंपनी आईडी डाली, यहाँ पर कंपनी नेम भी डाल सकते हैं। अब हम सर्च करेंगे, अब हम अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, अब हमने कस्टमर अपना सेलेक्ट कर लिया। अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे, ये हमारे जितने भी IMDS हैं ये सिर्फ एक ही कस्टमर के हैं और आप देख रहे होंगे ये सारा स्टेटस दिखा रहा है, स्टेटस भी सारा एक साथ दिखा रहा है क्योंकि हमने स्टेटस पैनल में सारे स्टेटस सेलेक्ट कर रखे हैं इसलिए। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप जनरल पॉइंट्स, स्टेटस और रेसिपिएंट, ये तीनों टैबों में आप अलग अलग तरीके को यूज़ करके अपना अलग अलग IMDS चेक कर सकते हैं। अब हम इसे अनचेक करेंगे, सर्च करेंगे, ये हमारे ऑल कस्टमर्स, हमारे 2, 4, 10 जितने भी कस्टमर होंगे सारा IMDS सबका शो हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे इन लिस्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और ये तीन पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला है व्यू कॉलम, और आप इसके अंदर से भी कुछ हटा सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। अब आपने देखा यहाँ से हट चुका है और हम ID वर्ज़न दोबारा से ऐड कर देंगे। मेनली ये फिल्टर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब वो है मेन्यू, मेन्यू के अंदर एडिट, व्यू, कॉपी, डिलीट, ये कई सारे पॉइंट्स हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम इस पूरी शीट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। अब हमने क्लिक किया, एक्सपोर्ट हो गई ये फाइल। अब हम फाइल को चेक करेंगे, क्लिक किया हमने, ये फाइल हमारी खुल गई। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा एक ही बार में एक्सेल फाइल में आ गया। तो इसके लिए आपको कोई हार्ड रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल टाइम सर्वर पे अवेलेबल रहता है, तो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हम किन किन तरीक़ों से IMDS का स्टेटस चेक कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।
और इस पॉइंट से रिलेटेड अगर और भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।